वहीं राजधानी लखनऊ में आए एनडीआरएफ डिप्टी कमांडेंट नीरज कुमार ने बताया कि लखीमपुर जिले में बीते दिनों अत्यधिक बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ टीम को उतारना पड़ा, जो कि भरी परिस्थितियों में गांव में फंसे 500 से अधिक लोगों को एनडीआरएफ टीम ने जान बचाई थी। वहीं पूरे एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट नीरज कुमार से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर नीरज कुमार जी हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से लखीमपुर में भारी बारिश से चारों तरफ बाढ़ का माहौल बन गया था, कई गांव डूब गए थे, ऐसे हालातों में किस तरह से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों की जानें बचाई। सर, लखीमपुर में चारों तरफ बाढ़ का माहौल हो गया था, ऐसे में डैम भी टूट गया था, बड़ी चुनौती थी आपके लिए, किस तरह से आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया ये? एनडीआरएफ एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फोर्स है और अपने स्पेशलाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म के लिए एनडीआरएफ जानी जाती है। करीब 10 लाख पानी टोटल, जो 5.5 लाख क्यूसेक पानी बनबसा डैम से, और उसके अलावा बारिश का 3 दिन से बारिश हो रही थी और सहायक नदियों का पानी लगभग वहाँ पर आ चुका था, तो 2.5 से 3 लाख पानी ही नुकसान पहुँचाने के लिए एक ज़िले में काफ़ी होता है, लेकिन ये 10 लाख पानी था। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, जो भी रिक्यूजिशन, जो भी इंजेक्ट इनपुट हमें मिल रहे थे वो नाइट के मिल रहे थे। नाइट में हमें लोगों को जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा था, जिसमें नाइट नेविगेशन टेक्निक्स एनडीआरएफ ने यूज़ की, कंपास टेक्निक्स यूज़ की, और तेज प्रवाह में विपरीत दिशा में एनडीआरएफ की बोट्स, जो बोट हैंडलर हैं, उन्होंने अच्छे से उन सब चीज़ों को किया और एक बहादुरी और शौर्य का परिचय देते हुए एनडीआरएफ ने इस पूरे रेस्क्यू लखीमपुर खीरी ऑपरेशन को अंतिम अंजाम दिया और सभी लोगों को सुरक्षित पहुंचाया और किसी भी लोगों को वहां पे फंसे होने की या किसी भी तरह के फंसने की चांसेस नहीं छोड़े और अपना 100% देते हुए एनडीआरएफ ने पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया। प्रशासन की टीम भी वहाँ गई थी, मौजूद थी वहाँ पर जब डैम टूटा था, उसके बाद फिर एसडीएम वहाँ फंस गए थे, जिससे आपको सूचना दी गई कि वहाँ प्रशासनिक अधिकारी और कुछ गांव के लोग भी वहाँ फंसे पड़े हैं, तो आप किस तरह से रात में ऑपरेशन हुआ, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है और दिशा का पता नहीं रहता है अंधेरे में, किस तरह से आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और लोगों की जान बचाई? जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, ये धरोरा तहसील की समदा गांव की घटना है। यहाँ पर हमारा बेस ऑफ ऑपरेशन बना हुआ था और हम सामने 7 किलोमीटर दूर गांव से, जिसका नाम जंगल नंबर 3 था, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। अंतिम 7 लोग का निकाला जाना बाकी था। उसी बीच एक सूचना मिली कि 400 मीटर आगे एक बंदे से पानी लीक होना शुरू हो गया है और उस पानी ने एसडीएम सहित प्रशासनिक लोगों को और एनडीआरएफ को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके बावजूद भी डीएम साहब से मेरी बात हुई और डीएम साहब से मैंने भी ये विश्वास दिलाया कि हम सभी लोगों को, वो जंगल नंबर 3 से भी और समदा से भी, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल देंगे। ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ डिप्टी कमांडर नीरज कुमार जी, जिन्होंने बताया कि लखीमपुर में किस तरह से लोगों की उन्होंने जान बचाई और किस तरह से उन्होंने ये रात में ऑपरेशन किया। लाइव टुडे से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। आपका?